दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम एशिया कप को अपने नाम करे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद रो पड़े पाकिस्तानी दिग्गज और हार के बाद जाहिर उगलते हुए लगाए भारत पर घटिया आरोप। या दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत को जीत मिल चुकी है, ऐसे में पाकिस्तान को मिली करारी हार के बाद पाकिस्तानी दिग्गज रो पड़े। रोते हुए उन्होंने भारत को धमकाया है और धमकाते हुए उन्होंने भारत को लेकर एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनने के बाद आपका भी खून खोल उठेगा। तो आखिर हार के बाद पाकिस्तानी दिग्गजों ने भारत को लेकर क्या कुछ कहा है, उनके बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में शानदार बल्लेबाज कौन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के मैदान पर शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 356 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान के सामने रखा। इस दौरान भारत की ओर से ओपनिंग साझेदारी 121 रनों की देखने को मिली। उसके बाद रोहित शर्मा 56 और गिल 58 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली ने 122 और केएल राहुल ने 111 रनों की नाबाद पारी खेली और दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 233 रन बटोरे। हालांकि लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम के मात्र 77 रनों पर 4 विकेट गिर गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान ने इस मुकाबले को गंवा दिया। जिसके बाद पाकिस्तान के दिग्गजों का भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान सामने आया, जिसमें सबसे पहले उमरान मलिक ने बयान देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में बेशक भारतीय टीम को जीत मिल चुकी है, लेकिन भारतीय टीम अपने आप को मजबूत टीम समझने की गलती ना करे, क्योंकि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। पूरी टीम की ओर से बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन कुछ खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। इसके अलावा उन्होंने बयान देते हुए कहा कि भारत की ओर से बल्लेबाजों ने तो शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन गेंदबाजों का कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। ऐसे में भारतीय टीम जरा बचकर रहे, क्योंकि फाइनल में हमारी टीम भारत के इस हार का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं इंजमामुल हक ने बयान देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के मैच में बेशक भारत को जीत मिल चुकी है, लेकिन भारतीय टीम को ज्यादा कुछ सोने की दरकार नहीं है, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है। हालांकि हमारी टीम की ओर से कुछ खिलाड़ियों की वजह से हमें इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस मुकाबले में मिली हार के बाद हमारी टीम को कमजोर समझने की गलती भारत को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके आगे उन्होंने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को हम फाइनल में हराने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ऐसे में भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में हार के लिए तैयार हो जाए। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस महामुकाबले में भारतीय टीम को जीत मिल चुकी है, लेकिन भारतीय टीम जीत से ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि भारतीय टीम को इस मुकाबले में कुछ खिलाड़ियों के दम पर जीत मिली है, लेकिन फाइनल के मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को जीतने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। इसके आगे अफरीदी ने बयान देते हुए कहा कि अगर फाइनल मुकाबले में हमारी टीम भारत को हराने में नाकाम रहती है तो फिर आप हमारी टीम को कमजोर समझ सकते हैं, लेकिन फाइनल के मुकाबले से पहले ये समझने की गलती कतई ना करें। ऐसे में अब भारत हमारे खिलाफ फाइनल के मुकाबले में हारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचकर भारत को हरा पाएगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।